यस, गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, जय हिंद। स्वागत है आप सभी लोगों का इंडिया के बेस्ट ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म फॉर यूपीएससी सीएससी प्रिपरेशंस, दैट इज़ आईएएस नॉलेज मंत्र पर। एंड दिस इज़ डॉक्टर अनुराग फ्रॉम द चीफ मेंटर ऑफ आईएएस टॉपर्स मंत्र, वेलकमिंग यू ऑन डेली करेंट अफेयर्स सेशन, द एनालिसिस ऑफ द हिंदू, द इंडियन एक्सप्रेस, लाइव मिंट एंड फाइनेंशियल एक्सप्रेस ऑन आवर प्लेटफॉर्म। तो चलिए आगे बढ़ने से पहले बता दीजिए स्टूडेंट्स, इफ आई एम प्रॉपरली ऑडिबल एंड विजिबल, सो दैट वी मे प्रोसीड अहेड इन टुडेज सेशन। यस, गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, जस्ट अ मिनट, लेट मी शेयर इट अपॉन द टेलीग्राम दैट सेशन हैज बिगन। चलिए बढ़ चलते हैं। तो कैसे हैं आप सभी लोग, दिवाली की शुभकामनाएं आप सभी लोगों को स्टूडेंट्स। मे यू सर्च अहेड ऑन द पाथ ऑफ सक्सेस एंड मे यू ब्रिंग लाइट्स एंड हैप्पीनेस टू थाउजेंड्स ऑफ फैमिलीज आफ्टर गेटिंग सेलेक्टेड। तो मेरी शुभकामनाएं आपके साथ में रहेंगी। चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं आज का सेशन करंट अफेयर्स का। तो करंट अफेयर्स पर आगे बढ़ने से पहले मैं अपने बारे में एक शॉर्ट इंट्रो दे दूँ स्टूडेंट्स। This is Dr. Anurag, a passionate UPSC mentor and expert in the field for the past one decade in offline mentoring, past 3 years in online mentoring upon various EdTech platforms. In UPSC, I have appeared twice for the personality test in my 4 attempts and 4 mains. I have also worked as Assistant Commissioner of Sales Taxes in Uttar Pradesh State Civil Services for 3 years, after which I resigned to pursue my passion of mentoring the UPSC aspirants. Telegram channel IAS Toppers मंत्र, जुड़ जाइएगा इस सेशन के फ्री PDF के लिए स्टूडेंट्स। यस, गुड मॉर्निंग मुकेश, नीला, अविनाश एंड दित्सा। तो करंट अफेयर्स का सेशन आपको पता ही, हम लोग 4 पर्सपेक्टिव से चेक करते हैं डेली का न्यूज। पहला, डीकोड इंटरलिंक अप्रोच का मतलब होता है स्टूडेंट्स, क्या कोई न्यूज मेंस में यूपीएससी में अटैच कर सकते हैं हम लोग एज वैल्यू एडिशन टू गेट सम एक्स्ट्रा मार्क्स। सेकेंड, 360 डिग्री अप्रोच, इसमें हम लोग प्रीलिम्स के लिए पूरा बैकग्राउंड न्यूज का चेक करते हैं। थर्ड, फुल फ्लेज्ड क्वेश्चन अप्रोच, इसमें क्या पर्टिकुलर न्यूज से फुल फ्लेज्ड क्वेश्चंस आ सकते हैं मेंस में। एंड फोर्थ, केस स्टडी अप्रोच, वी सी स्टूडेंट्स, केस स्टडी का मतलब होता है क्या कोई पर्टिकुलर एग्जाम्पल आया है जिसको हम लोग पुटअप करके 1-2 नंबर एक्स्ट्रा निकाल सकते हैं। यस, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग नितिन, सिया, दित्सा, अविनाश, नीला, मुकेश, एवरीवन आउट हियर। तो चलिए आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं, IAS टॉपर्स मंत्र कोचिंग इंस्टीट्यूट बेस्ड इन पुणे हैज लॉन्च्ड वेरियस ऑफलाइन कम ऑनलाइन कोर्सेज एंड फ्री एंड पेड कोर्सेज दोनों हैं। सी सेट का कोर्स है सबसे पहला, फ्री कोर्स है पूरा सी सेट, रीजनिंग एंड क्वान्टिटेटिव एप्टीट्यूड एवरी ट्यूजडे एंड थर्सडे होल्ड किया जा रहा है, ज़रूर से जुड़िए, टाइमिंग्स यहाँ दी हुई हैं। सेकेंड, मैपिंग सेशंस फ्री हैं एवरी ट्यूजडे, आप देख सकते हैं। और ऑल इंडिया रैंक 1 में श्रुति शर्मा 2021 ने खुद रिकमेंड किया था अपने ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पर इस मैपिंग सेशंस के बारे में। इस बार और डिटेल हो रहा है स्टूडेंट्स, स्टेट वाइज मैपिंग हो रही है इंडिया की और कंट्री वाइज मैपिंग वर्ल्ड की हो रही है। लगभग 20 क्वेश्चन हम लोग टारगेट करेंगे इस बार के प्रीलिम्स में मैपिंग, और मैपिंग में रिवर्स इंजीनियरिंग फॉलो कर रहे हैं हम लोग, कुछ भी नहीं छूट रहा है। इट इंक्लूड्स हिस्ट्री, GI टैक्स, एवरीथिंग हम लोग इंक्लूड करके मैपिंग देख रहे हैं। एंड सक्षम मेंटरशिप क्लासेस, पेड क्लासेस आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, इसके फीचर्स, इस सैटरडे संडे छुट्टी है सक्षम में, लेकिन अगले सैटरडे संडे से शुरू हो जाएंगी क्लासेस। एंड इट इंक्लूड्स करेंट अफेयर्स ऑफ लास्ट 2 ईयर्स, न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स, डाउन टू अर्थ, PIB, योजना, कुरुक्षेत्र, एनवायरमेंट का पूरा पोर्शन, इंटरनेशनल रिलेशंस का पूरा पोर्शन एंड स्टैटिक एरियाज का पूरा रिवीजन एंड 20 संकल्प टेस्ट सीरीज, 20 GS टेस्ट एंड 12 CSAT टेस्ट एंड एथिक्स के स्टडीज एज अ सप्लीमेंट, सक्षम मेंटरशिप क्लासेस हर सैटरडे संडे एंड वेडनेसडे, मिलाकर लगभग 10 घंटे एक हफ्ते में एंड लगभग 35-40 आवर्स एक महीने में, 7 मंथ्स, 20,000 कोर्स फीस इंक्लूडिंग टेस्ट सीरीज। दोज हु वॉन्ट टू गो फॉर टेस्ट सीरीज सेपरेटली, जो 24 नवंबर से शुरू हो रहा है, आप इसमें 7,500 रुपये डालकर आप ले सकते हैं टेस्ट सीरीज।
तो चलिए बढ़ चलते हैं स्टूडेंट्स, जिन लोगों को इन कोर्सेज की जानकारी चाहिए दे कैन कॉन्टैक्ट ऑलवेज अपॉन द मोबाइल नंबर 9988737354 9988737358। तो चलिए बढ़ा जाए और देखा जाए क्या क्या इंपॉर्टेंट आज न्यूज़ में आया है। रेडी हैं? पेन निकाल लिया, तीन चार कलर का पेपर निकाल लिया या नोटबुक, सिलेबस निकाल लीजिए और चलिए अपने आप को भी चेयर पे बैठा लीजिए। लेट्स स्टार्ट स्टूडेंट्स। फर्स्ट प्रीलिम्स फैक्ट्स, एक मैंने ये अटैच किया है पोर्शन, जिस दिन प्रीलिम्स के लिए रिलेवेंट कुछ आएगा फैक्चुअल डेटा हम लोग यहाँ देखेंगे। सो थ्री टूरिस्ट किल्ड एज हाउस बोट कैचेज फायर ऑन द लेक। तो ये न्यूज़ से ज़्यादा वो जो दिस डल लेक का जो बैकग्राउंड है वो चेक करना ज़रूरी है। लेट्स सी स्टूडेंट्स, इट्स लोकेटेड इन श्रीनगर, द कैपिटल ऑफ द समर कैपिटल ऑफ J&K, एंड इट इज़ एन अर्बन लेक, सेकेंड लार्जेस्ट लेक ऑफ जम्मू एंड कश्मीर आफ्टर स्टूडेंट्स, आफ्टर लेक वुलर। जानते हैं आप लोग लेक वुलर के बारे में, मुझे बताइए। एंड डल लेक इज़ नॉट अ वेटलैंड, नॉट अ रामसार वेटलैंड, इसे याद रखिएगा, ये ज़रूर से याद रखिएगा, इसीलिए मैंने इसे अलग से पुटअप किया यहाँ पर, ये देखिए। इज इट क्लियर? सो रामसर कन्वेंशन में 5 वेटलैंड्स हैं जम्मू एंड कश्मीर के, अब भी हम लोगों ने पिछले ट्यूसडे को देखा था, डल लेक नहीं है, इसे याद रखिएगा। एंड ये टूरिस्ट हॉटस्पॉट है श्रीनगर में, इट्स अ टूरिज्म टूरिस्ट प्लेस है, बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करता है टूरिस्ट को। एंड इट्स इन कश्मीर वैली, कश्मीर वैली इज़ लोकेटेड स्टूडेंट्स इन बिटवीन हिमाद्री एंड पीर पंजाल रेंजेस। ये देखिए, अगर मैं यहाँ पर जम्मू एंड कश्मीर का मैप बनाऊँ, ठीक है, सो दिस इज़ हिमाद्री, ये देखिए हिमाद्री फॉर्म्स द बाउंड्री ऑफ J&K स्टेट, J&K यूनियन टेरेटरी एंड लद्दाख यूनियन टेरेटरी। ये देखिए इधर J&K, तो ये हिमाद्री माउंटेंस है स्टूडेंट्स, और हिमाद्री के जस्ट इधर में ये कश्मीर वैली है, यहाँ पर पीर पंजाल है, ये देखिए पीर पंजाल रेंजेस इज़ अ पार्ट ऑफ हिमाचल, ये देखिए हिमाचल, लेसर हिमालय, नोट इट डाउन। इज इट क्लियर? टेल मी। चलिए आगे बढ़े, पहला न्यूज कवर हो गया, रामसार वेटलैंड नहीं है, इसे याद रखिएगा। सेकंड न्यूज, म्यांमार फाइट ब्लॉक्स चाइना ट्रेड रूट्स। क्या कुछ रामरी आइलैंड आया था न्यूज में 3 दिन पहले, मुझे बताइए स्टूडेंट्स, ये देखिए। तो म्यांमार और म्यांमार में प्रॉब्लम्स के कारण चाइना को दिक्कतें चल रही हैं। अ सरप्राइज ऑफेंसिव बाय म्यांमार एथनिक आर्म्ड ग्रुप्स हैज ब्लॉक 2 स्ट्रेटेजिक वाइटल रोड्स टू द कंट्रीज बिगेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर चाइना, चोकिंग द क्रॉस बॉर्डर कॉमर्स। चाइना इज फेसिंग प्रॉब्लम्स, दिस इज अ क्लियर कट एग्जाम्पल ऑफ इंटरनल कन्फ्लिक्ट इन इंडियाज नेबरहुड, ये देखिए। और चाइना के हैवी इन्वेस्टमेंट्स हैं हमारे नेबरिंग कंट्रीज़ में, ये देखिए आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर इम्पॉर्टेंट क्या है, ये देखिए, शान स्टेट इज़ अ पार्ट ऑफ म्यांमार, बस इसे याद रखिएगा, शान स्टेट, नोट इट, शान प्लेटो भी है क्या, तुरंत देखिए फिजिकल मैप में साउथ ईस्ट एशिया का शान प्लेटो भी है स्टूडेंट्स, ये देखिए, और यहीं पर फाइटिंग चल रही है, बस इसे याद रखिएगा, नथिंग एल्स इज इम्पॉर्टेंट आउट हियर। क्लियर? लेट मी नो। सो दिस इज इट, ये दो न्यूज प्रीलिम्स फैक्ट्स के लिए। आइए आगे बढ़ चलते हैं स्टूडेंट्स अगले टॉपिक की तरफ, GS पेपर 3 इकोलॉजी एनवायरनमेंट। ये है वाइट चीक्ड मैकेक, मैमल है ये देखिए, और देख सकते हैं ये नया एक जंतु है जिसे खोज निकाला गया, देखिए इसका गाल देखिए सफेद कलर का है, वाइट चीक्ड मैकेक, ये पाया गया है तिब्बत में और अरुणाचल प्रदेश में रिसेंटली, ये देखिए। तो तिब्बत तो चाइना का पोर्शन, अरुणाचल प्रदेश हमारे देश में, 2 डिस्ट्रिक्ट्स में अरुणाचल प्रदेश के पाया गया ये वाइट चीक्ड मैकेक। लेट्स सी स्टूडेंट्स, सो डिस्कवर्ड बाय चाइनीज साइंटिस्ट फ्रॉम साउथ तिब्बत, वाइट चीक्ड मैकेक वॉज लेटर रिपोर्टेड बाई डॉक्टर मुकेश एंड हिज टीम फ्रॉम जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ZSI फ्रॉम दिबांग वैली एंड वेस्ट सियांग रीजन ऑफ अरुणाचल प्रदेश। आइए देखते हैं अरुणाचल प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट, आइए देखते हैं स्टूडेंट्स। तो ये देखिए दिबांग वैली, दिबांग वैली अरुणाचल प्रदेश का सबसे नॉर्दर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट है, ये देखिए यहाँ पर
हैव अ लुक, क्लियर। और वापस और कहां से पाया गया, वेस्ट सियांग रीजन, ये देखिए वेस्ट सियांग, ये देखिए यहां भी पाया गया, यहां भी पाया गया, देखिए। सो व्हाइट चीक्ड मैकेक इज अ न्यू फाइंड, अभी तक इसका IUCN स्टेटस नहीं निकला है, इट्स अ न्यू फाइंड इन दिस बेल्ट, ये देखिए, क्लियर। तो व्हाइट चीक्ड मैकेक इज अ स्पीसीज ऑफ मैकेक फाउंड ओनली इन द मेदॉक काउंटी इन तिब्बत एंड अरुणाचल प्रदेश इन इंडिया, ये देखिए। एंडेमिक टू दिस बेल्ट, व्हाइट चीक्ड मैकेक लिव्स इन फॉरेस्ट हैबिटेट्स, ये देखिए, एंड फ्रॉम ट्रॉपिकल फॉरेस्ट टू प्राइमरी एंड सेकेंडरी एवरग्रीन ब्रॉडलीफ फॉरेस्ट एंड मिक्स्ड ब्रॉडलीफ कनिफर फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल में भी रहता है, टेम्परेट में भी रहता है स्टूडेंट्स, ये देखिए नोट कर लीजिए, कनिफरस ट्रीज भी रहते हैं, कनिफरस ट्रीज में भी रहता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नोट इट डाउन। तो क्या बात है, इनकी बात शुरू हो गई स्टूडेंट्स व्हाइट चीक्ड मैकेक की, कितने भोलेपन से देख रहा है आपकी तरफ स्क्रीन में से, लग रहा है निकल कर आ जाएगा सामने पढ़ने के लिए, देखिए। अब सवाल ये है दैट ये न्यूज़ में क्यों आया, क्या न्यूज़ में इसलिए आया क्योंकि इसको खोजा गया, नहीं स्टूडेंट्स, इट हैज़ कम अप इन द न्यूज़ बिकॉज डॉक्टर मुकेश ठाकुर अ साइंटिस्ट फ्रॉम जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया हैड गॉन टू चाइना, चाइना में रिसर्च करते समय इन्होंने वहाँ के जर्नल में, देखिए जर्नल में इसके बारे में रिसर्च करके पुटअप किया था पब्लिकेशन के लिए, वो चाइना बेस्ड जर्नल ने मना कर दिया, इनका आर्टिकल हटा दिया। डॉक्टर मुकेश ने कहा क्यों आर्टिकल हटा रहे हो, तो चाइना के जर्नल ने कहा कि अरुणाचल प्रदेश नाम जो है वो चाइना के पर्सपेक्टिव में लेना है, तभी जाकर आपका आर्टिकल छपेगा। आर यू गेटिंग इट, दिस इज अ क्लियर कट एग्जाम्पल ऑफ साइंटिफिक टेररिज्म एज कोटेड बाई डॉक्टर मुकेश, ये देखिए। इसका मतलब साफ है, चाइना के जर्नल कह रहा है कि चाइना का ही हिस्सा बताइए अरुणाचल को, तभी जाकर छापेंगे इसे। इन्होंने विड्रॉ कर लिया पेपर, पेपर विड्रॉ हो गया, ये बात नहीं माने और पेपर विड्रॉ हो गया, तो बात मानना भी नहीं चाहिए था, लेकिन चाइना का ये हेजेमोनिस्टिक एटीट्यूड दिख रहा है बॉर्डर को लेकर। दिस इज नॉट अ न्यू कंसेप्ट फॉर चाइना, इट हैज डन इट टाइम एंड अगेन ऑलवेज, यस। तो ये देखिए स्टूडेंट्स, इस टॉपिक से केवल प्रीलिम्स के लिए व्हाइट चीक्ड मैकेक के बारे में निकाल लीजिएगा, बट यू कैन कोट इट एज अ डीकोड इंटरलिंक अप्रोच इन इंडिया चाइना चैलेंजेस, ये देखिए इंडिया चाइना चैलेंजेस, इंडिया चाइना रिलेशंस में चैलेंजेस क्या क्या हैं नोट कर लीजिएगा। साइंटिफिक टेररिज्म का मतलब होता है कि जो डिस्कवरीज हो रही हैं उसमें भी वो लोग, देखिए टेररिज्म मतलब धमकाना, डराना, टेरर क्रिएट करना। तो जर्नल ने कहा कि नाम चेंज करो, यहाँ पर चाइना पुटअप करो, नहीं तो जर्नल में पब्लिश नहीं होगा, भले आपका डिस्कवरी नया हो। साइंटिफिक टेररिज्म, तो साइंस के फील्ड में भी टेरर क्रिएट किया जा रहा है, ये देखिए। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स, लेट मी नो। सो इंडिया चाइना रिलेशंस, चाइनाज हेजेमोनिस्टिक एटीट्यूड, फिलहाल प्रीलिम्स के लिए दिबांग वैली सबसे नॉर्दर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट अरुणाचल का, क्लियर, नोट कर लीजिएगा। एंड वेस्ट सियांग, यू कैन नोट इट हियर स्टूडेंट्स। आगे बढ़ते हैं, अगला न्यूज एनवायरमेंट इकोलॉजी का, मॉडिफाइड एंटी फंगल एजेंट शोज रिड्यूस्ड टॉक्सिसिटी इन माइस। तो ये देखिए, ये साइंस एंड टेक में भी यूज हो सकता है स्टूडेंट्स ये टॉपिक। एंटी फंगल, फंगस जानते हैं आप लोग, ये बताइए मुझे फंगी, क्या बहुत ज़्यादा न्यूज आया हुआ है और क्या इस बार प्रीलिम्स में क्वेश्चन भी आया था, ये देखिए। तो फंगस को मारने का एक मीन्स, बहुत सारे एंटी फंगल मेडिसिन होते हैं, कुछ नाम मैं लिख रहा हूँ, क्लोट्रीमेजोल, हैव यू हर्ड ऑफ इट, टेल मी स्टूडेंट्स, ये देखिए। और एक और है एम्फोटेरिसिन बी, ये देखिए, ये एम्फोटेरिसिन बी यूज किया गया था फंगल इन्फेक्शन में आफ्टर कोविड। आपको याद होगा कोविड के बाद फंगल इन्फेक्शन बहुत सारे लोगों में देखा गया था, आँखों में दिक्कत, ब्लैकिश आईज,
एंड उसके बाद बिकॉज ऑफ एक्सेसिव यूज ऑफ स्टेरॉयड्स. तो एम्फोटेरेसिन बी इज अ एंटी फंगल एजेंट. देखिए यहाँ पर फोटो है, देखिए देख रहे हैं एक्सक्यूज मी, ये इंट्रावेनस इंजेक्शन दिया जाता है. ये देखिए इंट्रावेनस वेन के अंदर इंजेक्शन दिया जाता है और उसके बाद फंगल इन्फेक्शन खत्म हो जाता है. इट्स अ वेरी वेरी पोटेंट एंटी फंगल. अब सवाल ये है कि ये फंगल इन्फेक्शन खत्म कैसे करता है. ये देखिए, इट डज दिस बाय फॉर्मिंग स्पॉन्ज लाइक एग्रीगेट्स दैट बाइंड टू अ मॉलिक्यूल नोन एज एर्गोस्टेरॉल. ये देखिए, एर्गोस्टेरॉल इज फाउंड इन फंगस एंड बैक्टीरिया और इसी के साथ बाइंड करके ये उसे मार देता है. ये देखिए, ये फैट मॉलिक्यूल है. एर्गोस्टेरॉल इज अ फैट मॉलिक्यूल, नोट कर लीजिएगा. हमारे बॉडी में कोलेस्ट्रॉल होता है, फंगस में और बैक्टीरिया में एर्गोस्टेरॉल होता है, नोट कर लीजिएगा. इट्स द सेम एज मेमेलियन कोलेस्ट्रॉल. ये देखिए, तो एम्फोटेरेसिन बी फंगस को तो मारता ही है, हमारे लिए भी घातक है स्टूडेंट्स. पता है क्यों? हमारे भी सेल्स में कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है. तो कोलेस्ट्रॉल क्या कुछ फंक्शन परफॉर्म करता है? यस. और इसीलिए एम्फोटेरेसिन बी इज ऑल्सो हार्मफुल फॉर द सेल्स ऑफ ह्यूमन बॉडी. इट्स हाईली टॉक्सिक. ये देखिए, तो आप कहिएगा सब सर दिया क्यों जाता है? अरे देने में क्या कहा जाए स्टूडेंट्स, अब कोई और ऑप्शन नहीं रहेगा तो यही दवा देनी पड़ेगी ना. एंड अगर ये लगातार दिया जाए तो इट कॉजेज रीनल फेलियर, किडनी फेलियर. ये देखिए, तो अब सवाल ये था कि सांप भी मर जाए लाठी भी न टूटे. इसका मतलब साफ है, फंगस भी खत्म हो जाए हमें हमारे किडनी सेल्स को दिक्कत भी ना हो, इसी को लेकर रिसर्च चल रहा था. और यूनिवर्सिटी ऑफ इलिनॉयस शिकागो, ये शिकागो जहाँ पर बेस्ड है, शिकागो इसी स्टेट में है यूएस में, वहाँ पर स्टूडेंट्स इसका रिसर्च अरुण माझी कर रहे थे. ये देखिए, एंड अरुण माझी और उनके उनके कलीग्स ने एक नया एनालॉग निकाला एम्फोटेरेसिन बी का. एनालॉग्स क्या होते हैं देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एनालॉग ड्रग्स आर मॉडिफिकेशन ऑफ अ ड्रग मॉलिक्यूल, हल्का सा मॉडिफाई कर दिया गया. ठीक है, ये देखिए, मॉडिफिकेशन ऑफ अ ड्रग मॉलिक्यूल और एनी बायो एक्टिव कंपाउंड इन ऑर्डर टू प्रिपेयर अ न्यू मॉलिक्यूल शोइंग केमिकल एंड बायोलॉजिकल सिमिलैरिटी विद द ओरिजिनल मॉडल कंपाउंड. नोट इट डाउन, केमिकल एंड बायोलॉजिकल सिमिलैरिटी होती है पुराने मॉलिक्यूल के साथ में, उसे एनालॉगस ड्रग्स कहते हैं, नोट कर लीजिए. तो एम्फोटेरेसिन बी का नया वैरायटी लाया जा रहा है, एनालॉगस ड्रग्स, नोट इट डाउन. इज इट क्लियर? टेल मी स्टूडेंट्स. तो एनालॉगस ड्रग्स पता लगाया गया और फिर अब बोला जा रहा है ये जो नया ड्रग है, ये देखिए एम्फोटेरेसिन बी 219, इससे किडनी फेलियर नहीं हो रहा है, सांप भी मर जा रहा है, लाठी भी नहीं टूट रही है. दैट इज़ नाउ अ बिग बिग अचीवमेंट. अब इसका रिसर्च होगा, इसकी टेस्टिंग होगी डिफरेंट एनिमल्स पर और उसके बाद इसे गो अहेड दिया जाएगा. इट विल बी अ बिग विन फॉर द हेल्थ एंड डिजीज सेक्शन. ये देखिए, डू यू एग्री स्टूडेंट्स? एम्फोटेरेसिन बी यहाँ से प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट, एर्गोस्टेरॉल क्या होता है इंपॉर्टेंट, कोलेस्ट्रॉल क्या होता है इंपॉर्टेंट, नोट इट डाउन. इज इट क्लियर? सवाल आया है तरुण का, स्टेरॉयड्स होते क्या? देखिए, स्टेरॉयड्स आर सिक्रीटेड बाई एड्रिनल ग्लैंड इन अवर बॉडी और यही स्टेरॉयड्स बहुत मेजर फंक्शन परफॉर्म करते हैं स्टूडेंट्स, इनको कॉर्टिकोस्टेरॉयड्स भी कहते हैं. ये बॉडी में दे आर नीडेड. ओके, इन कॉर्टिकोस्टेरॉयड्स दे परफॉर्म वेरियस इंपॉर्टेंट फंक्शंस. दे आर कंपाउंड सीक्रेट बाय एड्रिनल एंडोक्राइन ग्लैंड्स. एड्रिनल मींस किडनी के ऊपर बैठे हुए एक हार्मोनल ग्लैंड से, ये देखिए एड्रिनल ग्लैंड्स, और इन्हीं से वो हार्मोन सीक्रेट होता है जिसमें स्टेरॉयड्स होते हैं. यही स्टेरॉयड्स का फंक्शन परफॉर्म करने के लिए बाहर से भी मैन्युफैक्चरिंग होती है और इंजेक्ट किया जाता है. अभी तक स्टेरॉयड्स एक एक बॉडी फंक्शन में सब में इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है स्टूडेंट्स. ये देखिए, एड्रिनल ग्लैंड्स, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, हॉर्मोन्स, नोटेड डाउन. इज इट क्लियर? टेल मी, कैन वी प्रोसीड अहेड स्टूडेंट्स?
नेक्स्ट टॉपिक आर्टिफिशियल रेन। राष्ट्रपति भवन का फोटोग्राफ देख रहे हैं आप यहाँ पर, छोटा सा फोटोग्राफ है लेकिन फिर भी लग रहा है धुंध है। और यहाँ पर इसके बाद कुछ लोग कह रहे हैं या दिल्ली गवर्नमेंट कह रही है, साइंटिस्ट भी कह रहे हैं कि आर्टिफिशियल रेन से यहाँ का पॉल्यूशन प्रॉब्लम फिक्स हो जाएगा। लेकिन फिलहाल कुछ लोग कह रहे हैं कि आर्टिफिशियल रेन क्या कोई ऐसा है कि जैसे नल ऑन किया तो पानी आ जाता है, क्या वैसे ही हो जाएगा क्या? ये देखिए, बोला गया नहीं नहीं नहीं, सोलापुर में एक्सपेरिमेंट हुआ था 2018-19 में, अमेरिकन जर्नल में इसका पब्लिकेशन भी आया। ये देखिए, बोला गया अच्छा ये है, कहाँ पे सोलापुर में क्या एक्सपेरिमेंट हुआ था, देखिए कैपेक्स फेज फोर, कैपेक्स क्लाउड एरोसॉल इंटरैक्शन, देखिए फुल फॉर्म इसका, एंड प्रेसिपिटेशन एनहांसमेंट एक्सपेरिमेंट 200 करोड़। ये देखिए, एज इट वॉज कॉल्ड इवन ट्रैक्ट इंडिविजुअल क्लाउड्स टू सी द एक्सटेंट टू विच देवर इन्फ्लुएंस बाई सीडिंग। और यहाँ बोला गया क्लाउड सीडिंग से सोलापुर में, ये देखिए सोलापुर में क्लाउड सीडिंग टेक्निक यूज़ किया गया। बोला कि कितना फ़ायदा हुआ, 18% इम्प्रूवमेंट रेनफॉल में। ये देखिए, बोला गया यार सोलापुर में क्यों टेस्ट कर रहे थे, बोला गया सोलापुर इज इन द रेन शेडो बेल्ट इन महाराष्ट्र। डू यू एग्री स्टूडेंट्स, लेट मी नो। सो दिस इज द वेस्टर्न घाट, दिस इज सोलापुर रीजन, ये देखिए रेन शेडो बेल्ट में स्टूडेंट्स, एंड कैल्शियम क्लोराइड क्रिस्टल्स यूज किए गए थे लिखा हुआ। ये देखिए, वैभव ने पुट अप किया आर्टिफिशियल रेन से पॉल्यूशन की समस्या का उपाय हो सकता है, ये टेम्पररी सॉल्यूशन है। नहीं, ये सॉल्यूशन ही नहीं है, ये आइए हम देखेंगे क्यों सॉल्यूशन नहीं है। ओके, तो ये देखिए कैल्शियम क्लोराइड, कोई कहता है सिल्वर आयोडाइड, कोई कहता है कोई और भी केमिकल यूज़ कर सकते हो, सिल्वर आयोडाइड, कैल्शियम क्लोराइड। तो दिल्ली गवर्नमेंट फिलहाल गई थी आईआईटी कानपुर के साइंटिस्ट के पास, आईआईटी कानपुर के साइंटिस्ट ने कहा कि वहाँ पर पानी होना ज़रूरी है, मॉइस्चर, तभी जाकर बादल बनेंगे और बारिश होगी, और बारिश होगी तो पॉल्यूशन खत्म हो जाएगा। तो ये देखिए, बोला गया अच्छा इतना आसान है क्या, ये देखिए देयर शुड बी हाइग्रोस्कोपिक मॉलिक्यूल्स, हाइग्रोस्कोपिक मॉलिक्यूल्स वी विल लॉन्च, वी विल डू क्लाउड सीडिंग। ये देखिए क्लाउड सीडिंग, बट देयर शुड बी मॉइस्चर इन द एयर। बोला गया अच्छा, केवल ये दो चीज़ होगा तो हो जाएगा। तो बोला, तो बादल ने कहा कि ऐसा है ना, ऐसे क्लाउड्स नहीं बनते हैं, तुम लोग अगर ऐसे ही क्लाउड्स बनाना शुरू कर दिए तो सब प्रकृति तो तुम ही लोग चलाओगे, इतना आसानी से बादल नहीं बनता, इतना आसानी से बारिश नहीं होती है। तो बोला गया कि तब कैसे होता है भाई, बादल जी बताइए, आप ही बताइए। तो क्लाउड्स आर लाइक, देयर इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस ऑफ क्लाउड फॉर्मेशन, ये देखिए, एंड इट कैन नॉट बी जज्ड इन अ सिमिल इन अ वेरी वेरी दिस सिंपल फॉर्मेट। फोर्थ पॉइंट, देर आर मैनी टाइप्स ऑफ क्लाउड्स। बादल कह रहा है जाके पहले क्लाउड्स के टाइप्स पढ़ कर आइए और क्लाउड्स का फॉर्मेशन। एंड फिफ्थ पॉइंट, बादल कह रहा है कि इतनी आसानी से बन जाएंगे क्या, सिल्वर आयोडाइड सोलापुर के ऊपर काम किया था, कैल्शियम क्लोराइड, सिल्वर आयोडाइड कहीं और काम किया था, थोड़ा रिसर्च करो दिल्ली के ऊपर क्या काम करेगा। इट डिपेंड्स अपॉन लोकल, ये देखिए लोकल एटमोस्फेरिक प्रोसेसेस आल्सो, ये देखिए प्रोसेसेस। इज इट क्लियर, बात समझ में आ रही है? तो अब बोला कि इतना आसानी से एरोप्लेन उड़ाए ऐसे चले गए, सीएम साहब बैठे हुए हैं उसके अंदर, ओके, बादल के बीच में गए और वहाँ पर स्प्रे कर दिया गया सिल्वर आयोडाइड या कैल्शियम क्लोराइड और बादल बन गया। इतना आसानी रहेगा क्या? अगर इतना आसान रहता तो अमेरिका और साहिल रीजन में पहले से ही बादल बनते और वहाँ पर बारिश करवा दिया गया रहता। सो दिस इज नॉट दैट ईजी। एंड यहाँ देखिए कन्वेक्टिव क्लाउड्स का प्रेजेंस जरूरी है। ये देखिए कन्वेक्टिव क्लाउड्स आर क्लाउड्स विद अ मिनिमम ऑफ 0.5 ग्राम ऑफ वाटर पर स्क्वायर सेंटीमीटर ऑफ क्लाउड, वेरी इंपॉर्टेंट, कन्वेक्टिव क्लाउड्स स्टूडेंट्स नोटेड डाउन। ये देखिए ये प्रीलिम्स में आ सकता है, कन्वेक्टिव क्लाउड्स का मतलब क्या है प्रीलिम्स के लिए, 360 डिग्री अप्रोच।
0.5 ग्राम ऑफ वाटर पर स्क्वायर सेंटीमीटर ऑफ क्लाउड मिनिमम। तो बोला गया यार ये पहले बताना चाहिए था। एट द सेम वे एज मैनी ऑफ द स्टूडेंट्स मीन्स दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर ऑल द एग्जामिनेशंस दे स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी ऑल्सो दैट चलो चलो तैयारी कर लेंगे, जैसे बाकी तैयारी कर रहे थे इसमें भी रट लेंगे, एक जीके की किताब, एक ऐसे हो जाएगा वैसा हो जाएगा। उसके बाद में जब मालूम चला यार यूपीएससी तैयारी में यार किताब नहीं और भी कुछ सोचना पड़ता है, ध्यान लगाना पड़ता है यार, इससे अच्छा नहीं करेंगे, यही ना होता है। वैसे ही यहाँ पर देखिए अब दिल्ली गवर्नमेंट का प्लान होगा कि अब नहीं ही किया जाए तो बेहतर है, ये क्लाउड सीडिंग भी हो गया, पैसा भी लग गया, और अगर नहीं बारिश हुई तो फिर क्या होगा। क्लाउड सीडिंग टेक्निक भी कहेगा, साइंटिस्ट भी कहेंगे कि क्या कर दिए, दिक्कत में आ गया ये सब कुछ। फिलहाल सवाल यही है स्टूडेंट्स, यहाँ से आर्टिफिशियल रेन या क्लाउड सीडिंग डिपेंड्स अपॉन वेरियस फैक्टर्स, ये यहाँ से नोट कर लीजिएगा। ये देखिए हाइग्रोस्कोपिक मॉलिक्यूल्स, मॉइस्चर इन एयर, कॉम्प्लेक्स प्रोसेस ऑफ क्लाउड फॉर्मेशन, टाइप्स ऑफ क्लाउड्स, लोकल एटमोस्फेरिक प्रोसेस, कन्वेक्टिव क्लाउड्स प्रेजेंस, ये देखिए। सो यार इतना टेक्निकली इतना टफ टॉपिक है, हमें तो लगा था कि बहुत ईजी हो जाएगा, द पॉलिटिशियंस आर लाइक इतना ईजी टॉपिक लग रहा था, आर्टिफिशियल रेन सब कोई चिल्ला रहा था, ये तो बहुत डिफिकल्ट हो गया। ओके गॉट इट, एग्जामिन द फैक्टर्स ऑन विच आर्टिफिशियल रेन्स डिपेंड। उधर बादल कह रहा है क्लाउड्स, थोड़ा पढ़ लीजिए अच्छे से, ज्योग्राफी में अभी भी क्लाउड्स के बारे में जो भी पढ़ा गया रिसर्च अधूरा है, और जो भी हाइपोथेसिस दिया गया क्लाउड फॉर्मेशन के पीछे वो अभी भी हाइपोथेसिस है, इट्स नॉट अ थ्योरी, दैट्स इट। यस पीएच पे भी डिपेंड करेगा स्टूडेंट्स यहां पर, बात समझ में आ रही, कन्वेक्टिव क्लाउड्स। अच्छा ये बताइए मुझे एक चीज बताइए, क्या जब खेती करने आप जाते हैं फील्ड्स में, सबके लिए ये सवाल है, और आपके पास फर्टिलाइजर होता है, पानी होता है, सीड्स होता है, तो फिर भी क्या गारंटी है कि हो जाएगा वहां पर सब कुछ, मुझे बताइए। क्या वहां पर कुछ लोकल फैक्टर्स भी होते हैं, टेल मी, बस दैट्स इट। तो ज्योग्राफी ऑप्शनल के बच्चा लोग जानते हैं कि क्लाउड्स के बारे में, क्लाउड्स के बारे में क्या होता है, क्लासिफिकेशन ऑफ क्लाउड्स, लो क्लाउड्स, हाई क्लाउड्स, मिडिल क्लाउड्स, मतलब क्या कंसेप्ट है। अभी तक क्लाउड्स का वैरायटी नहीं पढ़ा गया है। लो क्लाउड्स मतलब क्या है, जिसका मींस जो नजदीक है पृथ्वी के, हाई क्लाउड्स क्लाउड्स भी कह रहे हैं, यार कैसा क्लासिफिकेशन किया है हम लोगों का, इज्जत ही नहीं है। लो मीडियम हाई क्लाउड्स, इन शॉर्ट देयर शुड बी अ कंप्लीट मैकेनिज्म टू स्टडी हाउ द क्लाउड्स आर गेटिंग फॉर्म एट डिफरेंट हाइट्स, एंड देन ओनली आर्टिफिशियल रेन्स कैन बी प्रैक्टिस, दैट्स इट। नो गारंटी ऑफ सक्सेस, यस। आइए आगे बढ़ा जाए फिलहाल स्टूडेंट्स नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, ये यहां से आ सकता है मेंस का सवाल ना, ठीक है आइए आगे बढ़ते हैं। साइंस एंड टेक जीएस पेपर 3, ये आ गए आपके फेवरेट सुपरस्टार मिस्टर डी बालासुब्रमण्यम, स्पीकिंग ऑफ साइंस, हेल्थ बेनिफिट्स ऑफ फंक्शनल फूड्स। ये एलमंड्स देखिए, एलमंड्स ये देखिए, बादाम खा बोल रहे हैं, खाइए बादाम, दे आर अ रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन्स एंड मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। ये देखिए लिख लीजिएगा, मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स का ये सबसे बड़ा सोर्स, वन ऑफ द रिचेस्ट सोर्स, ये देखिए। तो पूछा गया अब बताइए अब क्या बताना है, यही बाकी रह गया था, अभी तक इंडिगो कलर बता दिए, कभी दही बता दिए, कभी गेहूं बता दिए, कभी मिलेट्स बता दिए, अब आज क्या बताना है बताइए आप। तो मिस्टर डी बालासुब्रमण्यम इज लाइक, टुडे आई वांट टू टीच द यूपीएससी एस्पिरेंट्स अबाउट फंक्शनल फूड्स। लगे ये फंक्शनल फूड्स क्या है भाई, जो फंक्शन परफॉर्म करता है, नहीं नहीं नहीं, फंक्शनल फूड्स का मीनिंग देख लीजिए स्टूडेंट्स। ये देखिए ये पहला पॉइंट है प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट, व्हाट आर फंक्शनल फूड्स। फंक्शनल फूड्स आर डिफाइंड ब्रॉडली एज फूड्स दैट प्रोवाइड मोर देन सिंपल न्यूट्रिशन, दे सप्लाई सम एडिशनल फिजियोलॉजिकल बेनिफिट टू द कस्टमर। ये देखिए कंज्यूमर, साफ है आप खा रहे हैं बादाम, तो किसी ने कहा कि बादाम क्यों खा रहे हो भाई, आपने कहा कि बादाम इसलिए खा रहे हैं क्योंकि
प्रोटीन का रिच सोर्स होता है, लिखा हुआ था इसमें, मोनो अनसेचुरेटेड फैटी एसिड्स का रिच सोर्स होता है। अच्छा इसलिए खा रहे हो, हाँ यही तो फाइंड किया गया इसमें, और बादाम खा रहे हैं और यूपीएससी में अपीयर कर रहे हैं। ओके, यूपीएससी में पहले ही अटेम्प्ट में रैंक वन आ गया रिकॉर्ड तोड़ मार्क्स के साथ, 1500 नंबर आ गए। सो एवरीवन वाज लाइक अरे यार ये कैसे हुआ, बोला कि यार बादाम खा रहे थे, बाकी सब क्या खा रहा था, बाकी सब बादाम नहीं खा रहा था, ये बादाम खा रहा था सुबह शाम। ओके, तो बादाम खाने से क्या ये प्रोटीन मिल रहा था, फैटी एसिड मोनो अनसैचुरेटेड मिल रहा था, ये रैंक वन कहाँ से आ गया रिकॉर्ड तोड़ के साथ? कहा गया यही तो एडिशनल फिजियोलॉजिकल बेनिफिट है जो अनडॉक्यूमेंटेड है, लिखा ही नहीं है लेकिन मिल गया। ये देखिए बात समझ में आ रही है, यानी एडिशनल न्यूट्रिशन के अलावा खा रहे अचानक से रैंक वन, गॉट इट? कहीं ऐसा ना हो कि पेपर में अपीयर ही नहीं किया रैंक वन आ गया। तो फंक्शनल फूड्स आर समथिंग विच प्रोवाइड एक्स्ट्रा अपार्ट फ्रॉम देयर न्यूट्रिशनल बेनिफिट्स, दैट्स इट। इज इट क्लियर? टेल मी स्टूडेंट्स। तो फंक्शनल फूड्स हैव इंग्रेडिएंट्स दैट ऑफर हेल्थ बेनिफिट्स विच एक्सटेंड बियॉन्ड देयर न्यूट्रिशनल वैल्यू, सम टाइप्स कंटेन सप्लीमेंट्स और अदर एडिशनल इंग्रेडिएंट्स डिजाइन टू इंप्रूव हेल्थ। ये देखिए, एंड सबसे बड़ी बात है स्टूडेंट्स दैट फंक्शनल फूड्स के बारे में डिस्कशन, क्या ये ड्राई फ्रूट्स, क्या ये ड्राई फ्रूट्स होते हैं? यस, ड्राई फ्रूट्स आर फंक्शनल फूड्स। ये देखिए ड्राई फ्रूट्स, वेट फ्रूट्स, ये देखिए आर ऑल्सो फंक्शनल फूड्स, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट मिलेट्स आर ऑल्सो फंक्शनल फूड्स। ये देखिए, इज इट क्लियर? टेल मी स्टूडेंट्स। दे प्रोवाइड समथिंग मोर देन द ओनली न्यूट्रिशन, दैट्स इट आउट हियर, यही यहाँ लिखा हुआ है। तो ड्राई फ्रूट्स भी हैं, वेट फ्रूट्स भी हैं और मिलेट्स भी हैं। इज इट क्लियर? लेट मी नो। अब सवाल ये है दैट क्या ये ड्राई फ्रूट्स का मेंशनिंग हमारे एंशियंट आयुर्वेदिक टेक्स्ट में था क्या, चरक संहिता में? यस, ये देखिए चरक संहिता, चरक ने लिखा था, फादर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन, एंड उसमें मेंशन किया हुआ है एलमंड्स, पिस्टैशियो, तो देखिए बादाम, पिस्ता, काजू, ये देखिए अखरोट, एप्रिकॉट, पोमेग्रेनेट, सब मेंशन किया गया। इन शॉर्ट इफ वी सी द हिस्टोरिकल रेलेवेंस ऑफ दीज फ्रूट्स, सो एलमंड्स, ड्राई फ्रूट्स एंड वेट फ्रूट्स हैव बीन मेंशन्ड बाय चरक, नोटेड डाउन। इसका मतलब ये डाइट का एक बहुत इम्पॉर्टेंट हिस्सा थे उस समय। तो एलमंड्स पे फोकस यहाँ किया गया था। एलमंड्स आर रिगार्डेड एज एपिटोम ऑफ हेल्दी फूड्स बिकॉज दे आर प्रोवाइडिंग प्रोटीन, मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स, डाइटरी फाइबर, वाइटामिन ई, राइबोफ्लेविन एंड फाइटोस्टेरॉल्स एंड पॉलीफिनॉल्स, नोटेड डाउन। ये देखिए गॉट इट? तो यही है स्टूडेंट्स इस जगह पर पूरा का पूरा डिस्कशन, बहुत इजी हो गया। फंक्शनल फूड्स क्या होते हैं, वेट फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स एंड मिलेट्स, ऑल आर फंक्शनल फूड्स। यस, अगर मिलेट्स पे कोई सवाल आया ज़रूर मेंशन कीजिएगा, एग्रीकल्चर में कोई सवाल आया ज़रूर मेंशन कीजिएगा, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, एक्स्ट्रा मार्क्स मिल जाएंगे। फंक्शनल फूड्स इनफैक्ट डाइट में ही और बॉडी में ही आपके एक्स्ट्रा इनपुट्स नहीं देंगे, ये आपके पेपर में भी एक्स्ट्रा इनपुट दे देगा। किसी ने पूछा रैंक वन कैसे आ गया दोस्त, बता दो, तो आप कहिएगा फंक्शनल फूड का नाम लिख दिए थे। उसी में एग्जामिनर इतना खुश हो गया, शायद मिस्टर डी बाला सुब्रमण्यम के दोस्त थे, मार्क्स आ गया रिकॉर्ड तोड़। आइए आगे बढ़ते हैं। राइबोफ्लेविन विटामिन बी ग्रुप का एक इंग्रेडिएंट है। आइए आगे बढ़ते हैं। फिलहाल एंटीऑक्सीडेंट्स क्या होते हैं, देखिए एंटीऑक्सीडेंट्स, सर एंटीऑक्सीडेंट कहाँ, बादाम में पाया जाता है, लेकिन बादाम के बारे में मैं एक चीज़ बता दूँ, एलमंड्स के बारे में, एलमंड्स कभी भी कच्चा मत खाइएगा स्टूडेंट्स, ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मैं दे रहा हूँ आपको। हमेशा पानी में रात में डाल दीजिए, जितना पानी में रहेगा उतना अच्छा रहेगा, गॉट इट? तो एलमंड्स हमेशा छिलका हटाकर पील ऑफ करके खाया जाता है, अदरवाइज द स्किन ऑफ एलमंड्स कंटेन सम हार्मफुल केमिकल्स। यस, इज इट क्लियर? तो एंटी ऑक्सीडेंट्स आर मॉलिक्यूल्स दैट फाइट फ्री रेडिकल्स इन योर बॉडी, फ्री रेडिकल्स आर कंपाउंड्स दैट कैन कॉज हार्म इफ देयर लेवल बिकम्स टू हाई इन योर बॉडी, नोट इट डाउन, क्लियर? चलिए आगे बढ़ा जाए। फंक्शनल फूड क्या होता है,
मालूम चल गया आपको, ये देखिए नेक्स्ट टॉपिक। तो फंक्शनल फूड हो गया स्टूडेंट्स, ये आर्टिफिशियल रेंस हो गया, एनालॉगस मेडिसिंस हो गया, और ये देखिए ये बादाम खाकर वाइट चीक्ड मैके कह रहा है मुझसे भी बात कर लो। आइए फिलहाल आगे बढ़ते हैं इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ स्टूडेंट्स, जीएस पेपर टू, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन। वन वोटर टू स्टेट्स टू वोट्स, क्या बात है, ये देखिए आज फ्रंट पेज पर आया स्टूडेंट्स, नोट इट डाउन। तो वन वोटर टू स्टेट्स टू वोट्स, महाराष्ट्र तेलंगाना बाउंड्री, ये देखिए दो दो वोटर आईडी। आप बोले सर ये तो दिक्कत की बात है, दिक्कत की बात है, बिल्कुल दिक्कत की बात है, बहुत दिक्कत की बात है। और ये सभी लोग फोटो खिंचा रहे हैं दो दो वोटर आईडी लेकर हाथ में, ये देखिए। अब बोले सर ये वोटर आईडी दो दो किस स्टेट का, एक महाराष्ट्र का एक तेलंगाना का है, ये कौन से लोग हैं सर और ये कहाँ रहते हैं? ये चंद्रपुर डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र और कुमारम भीम डिस्ट्रिक्ट तेलंगाना के बॉर्डर पर रहते हैं। देखिए चंद्रपुर, देखिए ये है स्टूडेंट्स, ये देखिए चंद्रपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र, यू कैन सी इट हियर, दिस इज चंद्रपुर। और ये कुमारम भीम आसिफाबाद डिस्ट्रिक्ट तेलंगाना, इसके बाउंड्री पर रहने वाले लोग हैं और इनको इधर से मिला है वोटर आईडी, इधर से भी मिला है। न्यूज़ क्यों है? क्योंकि तेलंगाना का इलेक्शंस ड्यू है और इसके लिए न्यूज़ छपा है स्टूडेंट्स, ये देखिए क्लियर। तो ये देखा जाए, अमिड द डेजोलेट हिली टेरेन बिटवीन ज्योति तालुक ऑफ चंद्रपुर डिस्ट्रिक्ट इन महाराष्ट्र एंड केरामेरी मंडल इन कुमारम भीम आसिफाबाद डिस्ट्रिक्ट इन तेलंगाना आर 14 विलेजेस इन द परंडोली एंड अंतपुर ग्राम पंचायत। वाई आर वी टेकिंग अप दिस टॉपिक? इंटर स्टेट कन्फ्लिक्ट। Now this is a very very common conflict which is in the news for the last 3 years at a stretch. Do you agree students? Tell me some of the states which are in conflict with each other. Let me know in the chat box. Bataiye mujhe. To interstate conflict chal to raha hai. Bahut mushkil ki baat hai. Filhal inse pucha jara ki aap vote kisko dijiye. Bole dono ko vote denge. Dono ko kidhar? Maharashtra mein bhi vote denge, Telangana mein bhi vote denge. Bola ki arre हमें मालूम चला कि आप हमको, हमें लगा कि आप दोनों पार्टी को वोट दे दीजिएगा, यहाँ तो आप दो दो राज्य में वोट दे रहे हैं। यस, ये देखिए, सो बोथ ग्राम पंचायत, देखिए 3000 रेसिडेंट्स हैं, हेयर 3000 रेसिडेंट्स ऑफ अ पॉपुलेशन अबाउट 5000 एंजॉय द पावर ऑफ वोटिंग इन बोथ महाराष्ट्र एंड तेलंगाना। ये देखिए बोथ ग्राम पंचायत आर डिपेंडेंट ऑन महाराष्ट्र एंड तेलंगाना गवर्नमेंट एंड द रेसिडेंट्स पार्टिसिपेट इन ऑलमोस्ट ऑल इलेक्शंस ऑन बोथ साइड्स, सेज लक्ष्मण कामले द फर्स्ट सरपंच ऑफ परंडोली इलेक्टेड इन 1995। और शान से बोल रहे हैं कि दोनों तरफ वोट देंगे, क्या दिक्कत है, ये देखिए। सो विद पोलिंग टू द तेलंगाना असेंबली टू बी हेल्ड ऑन नवंबर 30, दिस विलेज ऑक्युपाइड बाय मराठी स्पीकिंग शेड्यूल्ड कास्ट कम्युनिटीज विल एक्सरसाइज देयर वोटिंग राइट्स ओइंग टू एन अनरिजॉल्व्ड बाउंड्री डिस्प्यूट। ये देखिए अनरिजॉल्व्ड बाउंड्री डिस्प्यूट चल तो रहा है ना, महाराष्ट्र कर्नाटक में भी चल रहा है, असम मिजोरम, असम मणिपुर, असम नागालैंड, असम अरुणाचल, असम मेघालय, सब जगह चल रहा है। ये पॉपुलेशन कौन लोग हैं? लंबाडा ट्राइब्स पीपल, ये देखिए लंबाडा ट्राइब्स पीपल आर शेड्यूल्ड कास्ट कम्युनिटीज ऑफ महाराष्ट्र हु माइग्रेटेड फ्रॉम ड्रॉट हिट नांदेड़ परभनी लातूर एंड जालना डिस्ट्रिक्ट ऑफ मराठवाड़ा एंड केम एंड सेटल्ड इन चंद्रपुर। तो अपना ओरिजिनल वोटर आईडी लेकर आए थे महाराष्ट्र का, मराठवाड़ा में रहते थे और नया वोटर आईडी तेलंगाना ने दे दिया इन्हें, और क्या बात है, दो दो वोटर आईडी, ये देखिए क्लियर। लेट मी नो स्टूडेंट्स, इंटर स्टेट कन्फ्लिक्ट, पीपल इन दिस एरिया ड्रॉ बेनिफिट्स ऑफ सोशल वेलफेयर स्कीम्स फ्रॉम बोथ द स्टेट्स, वी हैव टू वोटर आईडीज टू आधार कार्ड एंड गेट राशन एंड पेंशन फ्रॉम बोथ द स्टेट गवर्नमेंट्स, क्या बात है, ये तो आर्टिकल 14 इन्फ्रिंज हो रहा है भाई, ये देखिए साफ साफ। आप कहते हैं ना आप लोग दैट सर इतना सब कानून है तो सर सब कुछ ठीक क्यों नहीं होता, इम्प्लीमेंटेशन में दिक्कत। देखिए अब सामने न्यूज़पेपर में छपा हुआ है, ये सामने छपा हुआ है द हिंदू में, फ्रंट पेज पर सबके नज़रों के सामने से गया होगा, टॉप मोस्ट ऑफिशियल से लेकर पंचायत तक में और पॉलिटिकल पर्सनैलिटी सबसे ऊपर के पद से लेकर और नीचे के पद तक,
सबके आंखों के सामने से गुजरा होगा, लेकिन आप कुछ नहीं कर सकते हैं। आर्टिकल 14 इन्फ्रिंज राइट टू इक्वालिटी बिकॉज अदर पीपल हैव वन आधार कार्ड, वन वोटर आईडी, राशन एंड पेंशन फ्रॉम वन स्टेट गवर्नमेंट, एंड नाउ यू आर गेटिंग हेयर फ्रॉम बोथ द स्टेट गवर्नमेंट। ये देखिए, द वोटर themselves हैव ऑलवेज बीन इन फेवर ऑफ वोटिंग इन द टू constituencies. वी आर नॉट worried अबाउट वन नेशन वन इलेक्शन एंड डोंट want टू गिव अबाउट dual वोटिंग राइट सो एज दैट कुड curtail our double benefits without any legal solution. ये देखिए, समझ सकते हैं अ हिस्ट्री ऑफ सेपरेशन ये क्यों शुरू हुआ, आइए देखते हैं। द इशू डेट्स बैक टू द अनरिजॉल्व टेंशन अराइजिंग ड्यूरिंग लिंग्विस्टिक बेस्ड रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स इन 1956। ये देखिए, एंड एक्सक्यूज मी, द डिस्प्यूट लेड टू इंटर स्टेट टेंशन मोर सो व्हेन आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट सेट अप पोलिंग स्टेशंस इन दिस विलेजेस फॉर द फर्स्ट टाइम इन 89 इलेक्शंस। और तब से ही चल रहा है स्टूडेंट्स, एक्सक्यूज मी, चंद्रपुर एंड कुमारम भीम आसिफाबाद डिस्ट्रिक्ट, नोटेड डाउन, इंटर स्टेट कन्फ्लिक्ट। आइए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक इंटरनल सिक्योरिटी के टॉपिक से आए स्टूडेंट्स, दो आर्टिकल्स आए इंपॉर्टेंट। ये देखिए, पहला, ड्रग स्मगलर्स फाइंड न्यू रूट वाया मिजोरम, इवेड क्लैशेस हिट मणिपुर। नार्कोटिक सब्सटेंसेस और उसमें मिथाम फिटामिन पाया जा रहा है कि बहुत तेजी से बढ़ रहा है नॉर्थ ईस्ट इंडिया में। फिलहाल मिथाम फिटामिन क्या होता है नोट कर लीजिए स्टूडेंट्स। ये देखिए, मिथाम फिटामिन इज अ पावरफुल हाईली एडिक्टिव स्टिमुलेंट ड्रग, स्टिमुलेंट ये देखिए, स्टिमुलेट कर देता है, दैट अफेक्ट्स द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। इट टेक्स द फॉर्म ऑफ वाइट ओडरलेस बिटर टेस्टिंग क्रिस्टलाइन पाउडर, डिजॉल्व्स इजीली इन वाटर और अल्कोहल। मिथाम फिटामिन ये एक आर्टिफिशियल ड्रग है, ये देखिए, इसे डेवलप किया गया और ये बनाया जाता है। इट्स डेवलप्ड फ्रॉम इट्स पैरेंट ड्रग एम्फिटामिन, ये देखिए। सो मिथाम फिटामिन कॉजेज इंक्रीज एक्टिविटी, टॉकेटिवनेस, डिक्रीज एपेटाइट, प्लेजरेबल सेंसेस ऑफ वेलबींग और यूफोरिया। ड्रग ट्रैफिकिंग इंपॉर्टेंट टॉपिक। अब सवाल ये है, क्या सर यहाँ सवाल आया हुआ है पहले, नॉर्थ ईस्ट इंडिया, देखिए इंडियाज प्रॉक्सिमिटी 2018 मेंस का क्वेश्चन, देखिए इंटरनल सिक्योरिटी का, इंडियाज प्रॉक्सिमिटी टू टू ऑफ द वर्ल्ड्स बिगेस्ट इलिसिट ओपीएम ग्रोइंग स्टेट्स। अब ओपीएम ग्रोइंग नहीं रहा, मिथाम मैन्युफैक्चरिंग भी हो गया है यहाँ पर म्यांमार में। तो ओपीएम ग्रोइंग स्टेट्स हैज एनहांस्ड इंटरनल सिक्योरिटी कंसर्न्स, एक्सप्लेन द लिंकेजेस बिटवीन ड्रग ट्रैफिकिंग एंड अदर इलिसिट एक्टिविटीज सच एज गन रनिंग, मनी लॉन्डरिंग एंड ह्यूमन ट्रैफिकिंग। What counter measure should be taken to prevent the same? 2018 में सवाल आया था और बार बार ये सवाल आ रहा है, ड्रग ट्रैफिकिंग इंटरनल सिक्योरिटी के लिए एक बहुत बड़ा थ्रेट है। एग्री कर रहे हैं बच्चा लोग, मुझे बताइए आप लोग फटाफट। ये देखिए, तो ये देखिए यहाँ लिखा हुआ है। अब सवाल है कि ये पहले मणिपुर से आता था, मणिपुर और म्यांमार के बॉर्डर से, अभी मणिपुर में प्रॉब्लम चल रहा है तो नया रास्ता ढूंढ निकाला इन ड्रग ट्रैफिकर्स ने। ये नया रास्ता कहाँ पर है आइए देखते हैं स्टूडेंट्स। ये देखिए, अ वेंटेज व्यू ऑफ इंडिया म्यांमार बॉर्डर विद द नियर ड्राई तियाऊ रिवर स्नेकिंग थ्रू द लैंडस्केप, म्यांमार इज ऑन द लेफ्ट एंड मिजोरम ऑन द राइट ऑफ द रिवर। क्या बात है, यहाँ तो खुलेआम भाई क्रॉस कर जाएगा, नदी नहीं है यहाँ, देखिए पैदल चल के क्रॉस कर जाएगा इंसान। अब ये सर ये तियाऊ रिवर कहाँ है आइए थोड़ा बताइए। ये देखिए मिजोरम का मैप स्टूडेंट्स, मिजोरम में देखिए अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स, उसमें सरछिप करके डिस्ट्रिक्ट है मिजोरम में, ये देखिए, और यहीं पर रिवर तियाऊ फ्लो करती है, जो आप फोटो देख रहे हैं यहीं पर है, सरछिप हैज अ बाउंड्री विद म्यांमार, ये देखिए, और यहीं का ये फोटो है स्टूडेंट्स, ये देखिए ये वाला, तो यहीं पर बस म्यांमार से बॉर्डर क्रॉस किया, सरछिप में आया और आगे चला गया, ये देखिए। अब सवाल ये है कि तियाऊ रिवर का सर मैप कहाँ पर, देखिए तियाऊ रिवर देखिए यहाँ पर, वही देखिए था, ये देखिए, ये देखिए यहीं पर था ना, ये देखिए, यू कैन सी इट हियर, दिस इज द बाउंड्री विद सरछिप डिस्ट्रिक्ट। छोटी छोटी नदियाँ यहाँ पर स्टूडेंट्स, इसमें तियाऊ रिवर, न्यूज़ में देखिए, जूम इन करना है क्या, ये देखिए मेरे हिसाब से
क्या ये क्लियर है मुझे बताइए स्टूडेंट्स। ठीक है ना, मुझे बताइए क्या ये मैप विजिबल है। ये देखिए, अब आप कहिएगा सर ये रेड रेड क्यों रिवर्स का, देखिए तियाओ रिवर, देखिए यहाँ पर दिस इज म्यांमार, दिस इज मणिपुर, दिस इज मिजोरम, देखिए तियाओ रिवर, ये देखिए मैं ब्लू से बना रहा हूँ तियाओ रिवर, बस ज़रूर से नोट करते जाइएगा। ये रेड से क्यों मार्क किया हुआ है, क्योंकि ये पॉल्यूटेड रिवर स्ट्रेचेज है। ये देखिए तियाओ रिवर, ये देखिए, ये देखिए, और यहीं पर बॉर्डर क्रॉस, दिस इज द मैप ऑफ म्यांमार मिजोरम बॉर्डर, ये देखिए। क्लियर, इधर बांग्लादेश, इधर म्यांमार, ये तियाओ रिवर यहाँ आकर कंबाइन कर रही है तुलपुल रिवर में, ये देखिए। आगे चलकर वो वही जाकर कहाँ कंबाइन करेगी, आई सपोज द रिवर्स इन द म्यांमार, वहाँ जाकर कंबाइन करेगी। और ये पूरा रिवर स्ट्रेच यहीं से चल रहा है पूरा ड्रग ट्रैफिकिंग। आइए पढ़ चलते हैं, इंडियन स्मगलर्स एंड देयर लोकल कॉन्टैक्ट्स ऑन ईदर साइड ऑफ द इंटरनेशनल बॉर्डर यूज एक्सकेवेटर्स टू कार्व आउट 10 किलोमीटर जीपेबल रोड इन म्यांमार फॉर द डॉन ऑफ अ न्यू ड्रग रूट थ्रू मिजोरम, ऑफिशियल सेड। डॉन इज द नेम ऑफ नियरेस्ट हैबिटेशन फ्रॉम लुंगकाउल, अ विलेज इन सेंट्रल मिजोरम सरचिप डिस्ट्रिक्ट। ये देखिए डॉन बॉर्डर पर है और ये इस्तेमाल हो रहा है आज की तारीख में स्टूडेंट सरचिप में लाने के लिए। ये देखिए और जूम इन मैप देखिए स्टूडेंट्स, दिस इज सरचिप डिस्ट्रिक्ट, मैं देखिए बना रहा हूँ, ये देखिए ये सरचिप डिस्ट्रिक्ट है, देख रहे हैं यहीं से बाउंड्री क्रॉस कर रहा है, ये देखिए। तो आप बोलेंगे सर इसमें और क्या आया हुआ है, इसमें आया हुआ है और भी प्लेसेस जहाँ से स्मगलिंग चल रही है। जोखाउथर, जोखाउथर इज ऑल्सो अ सिटी इन मिजोरम, ये देखिए नोट कर लीजिए। एंड सेकेंड, इसके अलावा दिस जोखाउथर के अलावा डॉन सिटी एजावल के पास, ओके तो जोखाउथर कहाँ पर स्टूडेंट्स, ये देखिए जोखाउथर देख रहे हैं आप यहाँ पर, ये देखिए। एंड लवंगतलाई, ये देखिए ये भी एक सिटी है जहाँ से चल रहा है स्मगलिंग, ये जोखाउथर से चल रहा है एंड सरसिप से चल रहा है। इन शॉर्ट दीज आर द की एरियाज फ्रॉम विच मिथामफिटामाइन ड्रग इज बीइंग ब्रॉट इनसाइड मिजोरम नॉर्थ ईस्ट इंडिया, अ बिग बिग डेंजर टू इंटरनल सिक्योरिटी ऑफ द कंट्री, नोट इट डाउन। सवाल यही कि बॉर्डर ठीक से क्यों नहीं बनाया गया है। अब मैं बता दूं आपको स्टूडेंट्स, इस जगह पर बॉर्डर में ये जो आप मैप देख रहे हैं यहाँ तो सही में बॉर्डर ठीक होना चाहिए, अगर नहीं बना तो चिंता की बात है स्टूडेंट्स। देखिए कितना ओपन बॉर्डर है, पोरस बॉर्डर है ना, देखिए ये तो लग रहा है कि नदी सूख जाएगी तो पता ही नहीं चलेगा कि किधर कौन सा देश है। देखिए इस जगह पर हम लोग अभी तक सुने थे कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया में बॉर्डर्स डिफिकल्ट है बनाने के लिए बिकॉज देर आर फास्ट फ्लोइंग स्ट्रीम्स, फॉरेस्टेड बेल्ट, लेकिन यहाँ तो विलेज है, यहाँ तो बॉर्डर बनना, बाउंड्री बनाना जरूरी है इस जगह पर। एंड ड्रग ट्रैफिकिंग इज अ ह्यूज ह्यूज मीनेस टू इंटरनल सिक्योरिटी, आई होप यू एग्री विद मी, लेट मी नो इन द चैट बॉक्स। देखिए फिलहाल दिस म्यांमार कह रहा है कि यार मैं चाइना से भी परेशान हूँ, इंडिया से भी परेशान हूँ, बोला कि तुम परेशान हो नहीं, तुम परेशानी ही हो, तुम सबके लिए परेशानी पैदा कर रहे हो, दैट्स इट। म्यांमार इज फेसिंग ह्यूज कन्फ्लिक्ट्स बिकॉज ऑफ द मिलिट्री कूप एंड रूल, मिलिट्री रूल विच इज गोइंग ऑन फॉर द पास्ट 2.5 ईयर्स। फरवरी 2021 में तख्ता पलट करके मिलिट्री ने वहां कैप्चर किया था पावर, दैट्स इट। तो तियाओ रिवर यहां से प्रेलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, जो खाउतर इंपॉर्टेंट है, डॉन सिटी इंपॉर्टेंट है, सरचिप इंपॉर्टेंट है, ये देखिए ये सब प्लेसेस नोट कर लीजिएगा फिलहाल। चलिए आगे बढ़ते हैं क्या स्टूडेंट्स, आगे बढ़ा जाए, आइए आगे बढ़ा जाए। एंड मिथामफिटामाइन भी इंपॉर्टेंट है, दैट्स इट। नेक्स्ट टॉपिक, तो ये देखिए ये मेंस का टॉपिक है स्टूडेंट्स, क्या ये इसमें आप ये ड्रॉ कर सकते हैं केस स्टडी, दिस इज अ क्लासिकल केस स्टडी, मिजोरम एक्टिंग एज पैसेज वे फॉर ड्रग्स, दैट्स इट। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, ऑर्डर फॉर 1 लाख दीपावली लैम्प्स लाइट्स अप कश्मीर मुस्लिम मेजोरिटी हैमलेट, क्या बात है, अच्छी बात है स्टूडेंट्स की जो जहाँ मिट्टी का काम हो रहा है उन लोगों के मिट्टी के बर्तन खरीद कर उन्हें एम्पावर किया जाए।
यस, यही तो हमारा कल्चर भी है ना। अभी आ गया है चाइनीज लाइट्स एंड लैंप्स हर जगह पर, और उसके कारण अच्छे खासे कॉटेज इंडस्ट्रीज को धक्का पहुंचा है। डू यू एग्री, टेल मी। देखिए, अब आप कहिएगा सर ठीक है धक्का पहुंचा है तो आप यहां पर क्यों मेंशन करें, क्योंकि लास्ट ईयर अक्टूबर, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, अक्टूबर सॉरी सितंबर 2022 योजना मैगजीन केम अप, योजना मैगजीन भारत सरकार पब्लिकेशन डिवीजन ने पब्लिश किया था, और उसमें कश्मीर के लिए एक नया तरीका बताया गया था कि कैसे वहाँ पर इकोनॉमिक डेवलपमेंट करके एम्पावर करके कम्युनिटीज़ को टेररिज्म ख़त्म किया जा रहा है। एंड आई हैड टेकन अप दिस टॉपिक इन लास्ट ईयर सक्षम कोर्स, सक्षम कोर्स का हिस्सा था। और देखिए इस बार मेंस में क्वेश्चन आ गया, देखिए, विनिंग ऑफ हार्ट्स एंड माइंड्स इन टेररिज्म अफेक्टेड एरियाज इज एन एसेंशियल स्टेप इन रिस्टोरिंग द ट्रस्ट ऑफ द पॉपुलेशन। हार्ट्स एंड माइंड्स ही देखिए, डिस्कस द मेजर्स अडॉप्टेड बाय द गवर्नमेंट इन दिस रिस्पेक्ट एज पार्ट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन इन जम्मू एंड कश्मीर। उसके लिए ये दीपावली वाला जो दिया खरीदने का कंसेप्ट है, ये केस स्टडी के रूप में काम करेगा। ये देखिए, ओके, यू कैन सी इट हियर, कश्मीर वैली। और मेरे हिसाब से हम सभी लोगों को, देखिए हम सभी लोग जो इस प्लेटफॉर्म पर हैं, हम केवल पढ़ना नहीं है, केवल हमें करंट अफेयर्स, हमें इम्प्लीमेंट भी करना है कितनी जगहों पर जहां पर कॉटेज इंडस्ट्रीज़ को सपोर्ट मिले और चाइनीज़ जो लाइट्स हैं या बाकी चीज़ें जो इम्पोर्ट हो रही हैं उसे बॉयकॉट किया जाए। दैट्स इट, यस, इज इट क्लियर, टेल मी स्टूडेंट्स। सो अ क्लासिकल केस स्टडी कम्स अप, डिस्कस इट स्टूडेंट्स इन दिस क्वेश्चन, इस सवाल, ये आपका आज का सवाल है। आंसर राइटिंग ग्रुप पर आकर आपको आज पोस्ट करना है स्टूडेंट्स, मैं भी आज पोस्ट करूंगा आंसर राइटिंग ग्रुप पर एक फ्लो चार्ट के रूप में क्या क्या मेजर्स अडॉप्ट किए गए हैं सरकार के द्वारा जम्मू एंड कश्मीर में कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन के लिए। दैट्स इट, आइए आगे बढ़ते हैं। इंटरनेशनल रिलेशन एंड इंस्टीट्यूशंस, जीएस पेपर टू का हिस्सा, और इसमें आइए देखते हैं न्यूज़ क्या है। ये देखिए, यहाँ देखिए इन लोगों को फोटो, देखिए इन लोगों का, ईरानियन प्रेसिडेंट इब्राहिम राइसी लेफ्ट राइस फॉर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन समिट इन रियाद ऑन सैटरडे। रियाद, ये देखिए किसका कैपिटल है स्टूडेंट्स, सऊदी अरब का, यस, ये देखिए। और सऊदी अरेबिया में दोनों ऑर्गेनाइजेशंस अरब लीग और ओआईसी की मीटिंग चल रही थी। अभी क्यों मीटिंग चल रही थी आप समझ सकते हैं। आइए आगे बढ़ा जाए, देखते हैं क्या है। अरब लीग, लीग ऑफ अरब स्टेट्स, अरेबिक भाषा जहां बोली जाती है, वेर एवर अरेबिक लैंग्वेज स्पोकन द कम्युनिटी ऑफ दोज अरेबिक लैंग्वेज स्पीकिंग स्टेट्स इज अरब लीग। सो रीजनल ऑर्गेनाइजेशन एस्टैब्लिश्ड 45 हेडक्वार्टर्स कायरो इजिप्ट, फाउंडिंग मेंबर्स इजिप्ट, इराक, जॉर्डन, लेबनान, सऊदी अरब एंड सीरिया। ये देखिए, ये फाउंडिंग मेंबर्स देखिए डार्क ग्रीन में दिए हुए स्टूडेंट्स, इसमें सीरिया को सस्पेंड किया गया था बीच में। ये देखिए बॉर्डर और फ्रंटियर में क्या डिफरेंस होता है, नितिन बता रहे हैं। फ्रंटियर इज अ एरिया, फ्रंटियर और बाउंड्री की बात कहिए तो फ्रंटियर इज अ एरिया ऑफ सेपरेशन, बाउंड्री इज अ 3D लाइन ऑफ सेपरेशन। फ्रंटियर कब इस्तेमाल किया जाता था, जब तक बाउंड्री डिमार्केशन नहीं हुआ था। मैं इसको अगर देखूंगा ऐसे तो फॉर एग्जांपल फ्रंटियर का पहला इस्तेमाल किया गया था साउथ अफ्रीका को लेकर। ये देखिए साउथ अफ्रीका में क्या था कि जो वहां के लोकल्स थे, उसके बाद वहां डच आए, उसके बाद इंग्लिश आए, तीनों ग्रुप्स के बीच में कुछ एरियाज ऑफ सेपरेशन था, उसे फ्रंटियर्स कहा गया। सो जुलूज, ये देखिए नाम सुना होगा आपने, ऑफ नटाल प्रोविंस, बोयर्स, ये देखिए डच, एंड थर्ड इंग्लिश पीपल। एट दैट टाइम इट वॉज ऑन फ्रंटियर, फ्रंटियर वॉज अ एरिया ऑफ सेपरेशन कि इसमें नहीं जाना है भाई, इसके उस तरफ दुश्मन है, दैट्स इट। बाद में जैसे ही रिसोर्सेज की फाइट शुरू हुई साउथ अफ्रीका में, कौन सा रिसोर्स, अरे आप भी जानते हैं, गोल्ड एंड डायमंड, तो लाइन बनाना शुरू कर दिया गया। पहले देखिए फ्रंटियर में क्या था, इसके उस तरफ दूसरा दुश्मन है, नहीं जाना इसमें। अब क्या हो गया, इसके इस तरफ मेरा हिस्सा है, इसे कैप्चर करना है, दैट्स इट। ये देखिए, इज इट क्लियर, टेल मी, फ्रंटियर वाज अ एरिया, बाउंड्री इज अ 3D लाइन, फ्रंटियर वाज अ जोन ऑफ
सेपरेशन एंड एसिमिलेशन बोथ बाउंड्रीज अ जोन ऑफ कंटेंशन ऑलवेज. बाउंड्रीज अ 3D लाइन सेपरेटिंग द एयर स्पेस दिस द सॉयल एंड सब सॉयल एंड फ्रंटियर वॉज द थिंग ऑफ द पास्ट द बाउंड्रीज अ थिंग ऑफ द प्रेजेंट दैट्स इट. तो ये देखिए पहला अरब लीग, ये ज्योग्राफी ऑप्शन का टॉपिक है फ्रंटियर एंड बाउंड्रीज, मैं बता दूं आपको, और हर 2-3 साल पे सवाल आता है. ये देखिए अरब लीग, फिलहाल समझ में आई बात अरब लीग क्या है. और ये देखिए OIC ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन, ये देखिए एस्टैब्लिश 69, ये बाद में बनाया अरब लीग के, जेद्दा सऊदी अरब में हेडक्वार्टर्स, मेंबर 57 स्टेट्स. ये देखिए इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्रीज, ये देखिए ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन का पहले ओल्ड नेम था ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉन्फ्रेंस, ये वर्ड चेंज करके कोऑपरेशन दिया गया. ये देखिए क्लियर, ये देखिए OIC. OIC में अरब स्पीकिंग ही कंट्रीज नहीं है, बाहर के भी कंट्रीज हैं. देखिए यहाँ पर ये देख रहे हैं आप, ये देखिए ठीक है, ये सब दूसरे देश, ये वो देश है जहाँ पर अरब स्पीकिंग नहीं है. ये देखिए मोजाम्बिक, ये देखिए वेनेजुएला, ये देखिए सोमालिया, ये देखिए यहाँ पर युगांडा, ये देखिए स्टूडेंट्स कैमरून, देख रहे हैं आप, ये देखिए नाइजीरिया, ये देखिए इंडोनेशिया, ये देखिए ब्रुनेई, देखिए यहाँ पर दैट्स इट. क्लियर, दोनों की मीटिंग साथ में हुई है. ये देखिए और ईरान और सऊदी अरब ने स्टेटमेंट्स जारी किए, आइए देखते हैं क्या स्टेटमेंट जारी किया है भाई. अरब एंड मुस्लिम लीडर्स ऑन सैटरडे कंडेम्ड इजरायली फोर्सेस बारबरिक एक्शंस इन गाजा बट डिक्लाइन टू अप्रूव प्यूनिटिव इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल स्टेप्स अगेंस्ट द कंट्री ओवर इट्स वॉर अगेंस्ट हमस. द आउटकम ऑफ अ जॉइंट समिट इन द सऊदी कैपिटल ऑफ अरब लीग एंड OIC हाईलाइटेड रीजनल डिविजन्स ओवर हाउ टू रिस्पॉन्ड. डिविजन्स हो गए हैं इस गुट में, UAE अलग, मोहम्मद बिन जायद अलग, मोहम्मद बिन सलमान अलग. ही देखिए क्लियर. तो सऊदी अरब के डिफैक्टो रूलर क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान, हु बिफोर द वॉर वॉज कंसिडरिंग एस्टैब्लिशिंग फॉर्मल डिप्लोमेटिक टाइज विद इसराइल, टोल्ड द समिट ही होल्ड्स द ऑक्यूपेशन बाय इसराइली अथॉरिटीज रिस्पॉन्सिबल फॉर द क्राइम्स कमिटेड अगेंस्ट द पैलेस्टीनियन पीपल. And now the formal diplomatic ties establishment will be derailed. देखिएगा Israel और सऊदी अरब के बीच में जो चल रहा था सब derail हो गया. That's it. क्या अरब लीग और OIC यहाँ से हो जाएगा? Students मुझे बताइए ये topic. अरब लीग के देख रहे हैं कहाँ पर countries हैं, केवल West Asia, North Africa, MENA belt कहते हैं और सोमालिया देखें यहाँ पर. That's it. आइए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़. इंडिया यूरोपियन यूनियन टेकिंग की स्टेप्स टू एडवांस टाइज ऑन मैरिटाइम फ्रंट. सो अब इंडो पैसिफिक से अगर आप मुझे बोलिएगा कि सर कुछ नया चीज़ बताइए, इंडो पैसिफिक अटलांटिक इंडिया का फोकस कहाँ पर? गल्फ ऑफ गिनी. ये देखिए स्टूडेंट्स गल्फ ऑफ गिनी ये कहाँ पर है, ये देखिए ये गल्फ ऑफ गिनी का बेल्ट अफ्रीका के नीचे देख रहे हैं आप. यहाँ देखिए गल्फ ऑफ गिनी में एक कंट्री है यहाँ पर कैमरून, ये देखिए कैमरून कंट्री. कैमरून कंट्री में उसका कैपिटल है याउंदे, और याउंदे में 2013 में एक समिट हुआ था. किसका समिट हुआ था ये देखिए, समिट वाज ऑफ रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ अफ्रीका, रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ वेस्ट एंड सेंट्रल अफ्रीका. ये देखिए वेस्ट एंड सेंट्रल अफ्रीका, ये देखिए. और 2013 में अब रहे कि मीटिंग क्यों हुआ था सर ये बताइए. यहाँ पर पायरेट्स बहुत हैं, सोमालिया वाले पायरेट्स तो इधर हैं अरेबियन सी की तरफ, यहाँ भी अच्छे खासे पायरेट्स हैं, यहाँ भी अच्छी खासी स्मगलिंग होती है और ड्रग ट्रैफिकिंग होती है. यहाँ पे इनफैक्ट सबसे बड़ा रीज़न है स्लेव ट्रेड जो चल रहा था फ्रॉम द टाइम ऑफ द यूरोपियन स्लेव ट्रेड. यस ये देखिए अटलांटिक स्लेव ट्रेड, और इसी वजह से दिस इज अ वेरी वेरी इनसिक्योर बेल्ट. इनसिक्योर बेल्ट को लेकर 2013 में एक समिट होता है स्टूडेंट्स याउंदे में, और याउंदे आर्किटेक्चर नाम का एक एग्रीमेंट साइन होता है. लेट्स सी व्हाट इज याउंदे आर्किटेक्चर, आज न्यूज में आया हुआ ये देखिए.
द याउंडे समिट लेड टू द क्रिएशन ऑफ थ्री मैकेनिज्म्स, याउंडे कोड ऑफ कंडक्ट, हेड्स ऑफ स्टेट्स डिक्लेरेशन एंड मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग बिटवीन रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस। इसे याउंडे आर्किटेक्चर भी कहा गया। ये देखिए, ये किसके बीच मीटिंग थी? इकोनॉमिक कम्युनिटी ऑफ वेस्ट अफ्रीकन स्टेट, इकोवास, इकोनॉमिक कम्युनिटी ऑफ सेंट्रल अफ्रीकन स्टेट्स, ECCAS एंड गल्फ ऑफ गिनी कमीशन। ये देखिए, द स्ट्रेटजी टू प्रिवेंट एंड प्रोसिक्यूट इलिसिट इलीगल एक्टिविटीज इन वाटर्स ऑफ गल्फ ऑफ गिनी। यू कैन सी इट हियर। ये पूरा स्ट्रक्चर क्रिएट किया गया। देखिए, क्या समझ में आ रही है बातें? मुझे बता दीजिए चैट बॉक्स में स्टूडेंट्स। याउंडे आर्किटेक्चर। फिलहाल न्यूज़ क्या है स्टूडेंट्स? इंडिया और यूरोपियन यूनियन ने यहाँ पर कंबाइंड मिलिट्री एक्सरसाइज किया, नेवल एक्सरसाइज। आइए देखते हैं। एज इंडिया एंड यूरोपियन यूनियन लुक टू एक्सपैंड डिफेंस एंड सिक्योरिटी कोऑपरेशन, द यूरोपियन यूनियन्स फर्स्ट डिफेंस अटैच टुक चार्ज अर्लियर दिस मंथ, व्हाइल द टू साइड्स आल्सो हेल्ड द फर्स्ट नेवल एक्सरसाइज रिसेंटली, व्हाइल ऑफिशियल नोटिंग दैट फोकस इज नॉट ऑन इंडो पैसिफिक, इट्स आउटसाइड द इंडो पैसिफिक बेल्ट। इज इट क्लियर? टेल मी स्टूडेंट्स। तो इसका मतलब साफ है, इंडिया का एक्सपैंड कर रहा है विजन, और ये अच्छी बात है। इंडिया का विजन एक्सपैंड करना भी चाहिए। ऑन अक्टूबर 24 इंडिया एंड यूरोपियन यूनियन कंडक्टेड देयर फर्स्ट जॉइंट नेवल एक्सरसाइज इन गल्फ ऑफ गिनी। वे सॉ द पार्टिसिपेशन ऑफ इंडियाज नेवी INS सुमेधाज वेसल, एन ऑफशोर पेट्रोल वेसल, जॉइंट बाई इटालियन नेवी शिप ITS फोस्कारी, फ्रेंच नेवी शिप FS वेंटोज एंड स्पेनिश नेवी शिप टोर्नेडो। वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेन, इटली, फ्रांस एंड इंडिया कॉपरेशन। ये देखिए, द एक्सरसाइज फॉलोड द थर्ड मीटिंग ऑफ यूरोपियन यूनियन इंडिया मैरिटाइम सिक्योरिटी डायलॉग ऑन अक्टूबर 5 इन ब्रसेल्स। नोटेड डाउन स्टूडेंट्स। ये देखिए, तो इंडिया और यूरोपियन यूनियन सपोर्ट कर रहे हैं याउंडे आर्किटेक्चर को। इसे कहते हैं स्टूडेंट्स कंप्लीट सिक्योरिटी डॉक्ट्रिन फॉलो करके नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर के रूप में काम करना वाटर्स में। देखिए, सिक्योरिटी प्रोवाइडर। ये देखिए, इंडिया इज एक्टिंग एज सिक्योरिटी प्रोवाइडर नॉट ओनली इन इंडो पैसिफिक बट ऑल्सो आउटसाइड इंडो पैसिफिक। इज इट क्लियर? टेल मी स्टूडेंट्स। तो इस चीज को सोच लीजिए, बना लीजिए इस टॉपिक को, किस चीज के लिए? डी कोड इंटरलिंक यूरोपियन यूनियन इंडिया। ये देखिए, इंडिया EU रिलेशंस में कुछ भी आएगा आप इसे अटैच कीजिएगा न्यूज़ को। सेकंड पॉइंट, मैरीटाइम एज अ की एरिया ऑफ इंडियाज फोकस। वहाँ पर कुछ भी आएगा ऐसा कुछ IR में, ज़रूर इसे अटैच कीजिएगा। इज इट क्लियर? टेल मी, कैसा चल रहा है सेशन बता दीजिए स्टूडेंट्स। तो आइए आगे बढ़ चलते हैं आज के अंतिम न्यूज़ की तरफ। अंतिम न्यूज़ आज आया स्टूडेंट्स फ्रॉम द टॉपिक ऑफ बिग बैंग, फ्रॉम बिग बैंग थ्योरी ऑफ साइंस एंड टेक रिगार्डिंग द फॉर्मेशन ऑफ यूनिवर्स एंड ब्लैक होल कंसेप्ट टू बिग बाउंस एंड वाइट होल कंसेप्ट। ये देखिए, तो डॉक्टर रोवेली हैं, कार्लो रोवेली, इटली के फिजिसिस्ट हैं। इटली पर बहुत फोकस चल रहा है अभी स्टूडेंट्स। ये देखिए, और ये सेवरल पॉपुलर साइंस बुक्स लिखे हैं। इसमें इनका लेटेस्ट वर्क है व्हाइट होल, ब्लैक होल का उल्टा, इनसाइड द होराइजन। ही एक्सप्लेन्स द थ्योरेटिकल एग्जिस्टेंस ऑफ व्हाइट होल्स, द रिवर्स ऑफ ब्लैक होल्स एंड द लैटर इज बिलीव टू बी द अल्टीमेट ग्रेवयार्ड ऑफ ऑल मैटर, ब्लैक होल्स फ्रॉम विच नथिंग नॉट इवन लाइट कैन स्केप। व्हाइट होल्स ऑन द अदर हैंड मे बिगेट अ न्यू यूनिवर्स, दो स्टिल इन द रियल्म ऑफ स्पेकुलेशन द मैथ चेक्स आउट। ये देखिए, याउंडे आर्किटेक्चर को लेकर जो एक्सरसाइज गल्फ ऑफ गिनी में चल रहा है उसको लेकर यूरोपियन यूनियन या इंडिया के जो एक्सरसाइज चल रहे हैं वहाँ पर, क्या ये हैरेसमेंट का हिस्सा है? देखिए, एक कंसेप्ट होता है स्टूडेंट्स प्रेजेंस दिखाना कहीं पर। फॉर एग्जांपल, अगर हम कहीं किसी जगह पर गए हैं जैसे सिंगापुर के आसपास गए हैं, जैसे इंडिया जब सुनामी आया था 2005 का, तो इंडिया वेंट टू इंडोनेशिया, श्रीलंका एंड मालदीव्स टू हेल्प। Mere presence in any region doesn't show harassment. Mere presence, केवल वहाँ पर present रहना ही harassment show नहीं करता है। आप किस intention से गए हैं ये important है वहाँ पर। और मेरे हिसाब से जहाँ इंडिया जाता है जिस intention से, उसका clear cut यही intention होता है
कि हैरेसमेंट तो ना ही किया जाए उन कंट्रीज़ का इनफैक्ट। तो इसीलिए स्टूडेंट्स ये टॉपिक यूरोपियन यूनियन इंडिया का प्रेजेंस वहाँ पर, क्या ये बाकी कंट्रीज़ के प्रेजेंस की तरह ही है? नहीं। इट्स द सेम वे एज वॉट इज़ द इंटेंशन बिहाइंड योर प्रेजेंस और बिहाइंड योर फोकस, दैट्स इट। क्लियर? सो व्हाई इज इंडिया वरीड अबाउट द प्रेजेंस अराउंड अटलांटिक ओशन? शायद पैन अफ्रीका ई नेटवर्क कॉरिडोर इंडिया ने इस्टेब्लिश किया था, पैन अफ्रीका ई नेटवर्क। यस, ऑप्टिकल फाइबर केबल डाले गए हैं फ्रॉम चेन्नई टिल डकर सेनेगल। तो सेनेगल अटलांटिक कोस्ट पर है स्टूडेंट्स, आई होप यू एग्री विद दिस फैक्ट। एंड साहेल बेल्ट में इंडिया का अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट्स है। उसके अलावा ट्रेड की बात कर रहे हैं तो सुएस कनाल से जो ट्रेड चल रहा है उसको लेकर अभी भी एक वरीसम पॉइंट है कि वेस्ट एशिया मेना बेल्ट में पूरा है, और इसी वजह से ऑल्टरनेटिव रूट्स वाया केप ऑफ गुड होप और अदर रूट्स कैन प्रोवाइड अ सब्सटैंशियल प्रेजेंस, प्रोवाइडेड सी पायरेट्स डोंट कम एंड अफेक्टेड, दैट्स इट। तो आइए देखते हैं बिग बैंग थ्योरी से बिग बाउंस थ्योरी, ये बता रहे हैं। अभी ये थ्योरी हाइपोथेसिस में है, ये देखिए। तो बिग बैंग थ्योरी जब आया तो कहा गया कि बिग बैंग हाइपोथेसिस थ्योरी नहीं है भाई, प्रूवन नहीं है। तुरंत किसी ने आकर, कोई साइंटिस्ट ने आकर झापड़ लगाया दैट कोई और तुम्हारे पास रास्ता है बताओ, नहीं कोई और रास्ता नहीं, तो इसे मान लो। अब ये आ रहे हैं मिस्टर रोवेली, ये कह रहे हैं बिग बैंग हाइपोथेसिस गलत है, बिग बाउंस हाइपोथेसिस सही है। बोला गया ये क्या है, आप ही ने कहा था कोई रास्ता है तो रास्ता बता रहे हैं यहाँ पर। स्पेकुलेशन है बट रिसर्च इज गोइंग ऑन। नाउ व्हाट आर व्हाइट होल्स, जो यहाँ पर न्यूज़ में आया है स्टूडेंट्स, ये देखिए। इन जनरल रिलेटिविटी अ व्हाइट होल इज़ अ हाइपोथेटिकल रीजन ऑफ स्पेस टाइम एंड सिंगुलैरिटी दैट कैनॉट बी एंटर्ड फ्रॉम द आउटसाइड। ब्लैक होल समथिंग कैनॉट एस्केप आउट, व्हाइट होल समथिंग कैनॉट एंटर इन, ये देखिए। ऑल्दो एनर्जी मैटर लाइट एंड इन्फॉर्मेशन कैन एस्केप फ्रॉम इट, एस्केप वहाँ से हो जाएगा, रिवर्स ऑफ ब्लैक होल है, लेकिन कुछ एंटर नहीं कर पाएगा। ओके और ब्लैक होल में क्या था, एंटर कर जाएगा कुछ भी, एस्केप नहीं कर पाएगा वहाँ से। इन दिस सेंस इट इज़ द रिवर्स ऑफ ब्लैक होल फ्रॉम विच एनर्जी मैटर लाइट एंड इन्फॉर्मेशन कैनॉट एस्केप, व्हाइट होल। ये नया कंसेप्ट और कहा जा रहा है बिग बाउंस थ्योरी। बिग बैंग में क्या था, एक सिंगुलैरिटी, सिंगल पॉइंट से एक्सप्लोर किया सब कुछ और आज यूनिवर्स बन गया, फिर कॉन्ट्रैक्शन होगा फिर एक्सपेंशन। ये कह रहे ऐसा कुछ नहीं है, ये कह रहे ऐसा कुछ नहीं है, बिग बाउंस थ्योरी। जैसे बॉल को आप कॉस्को का बॉल है या रबर का बॉल है आप फेंक रहे हैं ज़मीन के ऊपर, वो वापस टकरा कर ऊपर आ रहा है, वैसे ही ये पूरा यूनिवर्स अंदर जाएगा फिर बाहर आएगा विद लेस एनर्जी, फिर जाएगा अंदर फिर बाहर आएगा, इससे वो बिग बाउंस का नाम दे रहे हैं। आर यू गेटिंग इट, टेल मी स्टूडेंट्स। कह रहे अच्छा यूनिवर्स, यहाँ पे यूनिवर्स क्या बोले, बॉल जो रबर का बॉल है उसको सोच लिया यूनिवर्स। ओके तो इट्स गोइंग इनसाइड द सिंगुलैरिटी, इट्स कमिंग आउट, बाउंसिंग इन बाउंसिंग आउट, बाउंसिंग इन बाउंसिंग आउट, ये देखिए। कहा गया क्या ये विश्वास करने योग्य, बोला गया अभी रिसर्च चल रहा है आएगा सब कुछ, ये देखिए। इट्स ए स्पेकुलेशन ओनली एट प्रेजेंट बट इट मीन्स दैट अ न्यू रिसर्च एंड थ्योरीज इन द मेकिंग। यस सो व्हाइट होल एंड ब्लैक होल एंड बिग बाउंस थ्योरी कम्स अप स्टूडेंट्स, ये देखिए। थिंग्स जस्ट फॉल एंड देन दे बाउंस बैक लाइक अ बॉल बाउंसिंग बैक अप फ्रॉम द ग्राउंड, इट पासिस ऑन द सेम पाथ वेल गोइंग बैक अप बट विद रिड्यूस वेलासिटी। What interested me and my colleagues is that the bouncing out is also predicted by Einstein's theories. ये देखिए, the possibility of things coming out is what we call a white hole. ये देखिए, Einstein's theories, however, don't accommodate the possibility of a bounce. तो ये बता रहे हैं और ये और भी अभी रिसर्च चलेगा, समझ में आएगा। White hole यहाँ से important topic and the concept of big bounce replacing big bang is important. That's it, students. Is it clear? Let me know. तो चलिए आज के लिए इतना काफ़ी है, बहुत कुछ हो गया आज के लिए। और आज आपने क्या क्या पढ़ा, आज आपने डल लेक के बारे में पढ़ा, आज आपने पढ़ा डी बाला सुब्रमण्यम जी के बारे में पढ़ा आपने, और उसके बाद आपने पढ़ा स्टूडेंट्स
आर्टिफिशियल रेन के बारे में आपने पढ़ा, तेलंगाना महाराष्ट्र बाउंड्री पर डिस्प्यूट के बारे में आपने पढ़ा, आज अरब लीग ओआईसी के बारे में आपने आज पढ़ा, इंडिया यूरोपियन यूनियन मैरीटाइम कोऑपरेशन के बारे में, याउंडे आर्किटेक्चर के बारे में आपने पढ़ा, एम्फोटेरेसिन बी के बारे में स्टूडेंट्स आपने पढ़ा। अरुणाचल प्रदेश में ये बहुत सुंदर जानवर देखिए पाया गया है, बहुत खुश नज़र आ रहा है वहाँ पर। ऐसा नहीं पता है कि वहाँ पर जिस मीन्स अरुणाचल प्रदेश के उस तरफ पाया गया तिब्बत में, वहाँ परेशानी ही परेशानी है। और इसके अलावा आपने पढ़ा स्टूडेंट्स, अपार्ट फ्रॉम दिस यू टॉक्ड अबाउट, वी टॉक्ड अबाउट द कंसेप्ट ऑफ ब्लैक होल्स एंड वाइट होल्स, दैट्स इट। यश ने सवाल पुटअप किया कि इतने हम अच्छे पॉइंट्स दिखते हैं और मार्क्स मिल जाते हैं तो क्यों नहीं हमारी सरकार ऐसा काम करती है। देखिए स्टूडेंट्स, मैं बता दूं आपको, सरकार के अंदर बैठा हुआ इंसान भी हमारे में से एक है, ओके और हर जगह देर इज़ ऑलवेज अ कन्फ्लिक्ट ऑफ पर्सनल इंटरेस्ट वर्सेज द पब्लिक इंटरेस्ट, पब्लिक गुड वर्सेज पर्सनल गुड। और स्पेशली अगर पॉलिटिशियंस, देखिए शिक्षा क्यों ज़रूरी होती है, मैं बार बार यही कहता हूँ, शिक्षा इसलिए ज़रूरी होती है क्योंकि पब्लिक गुड क्या है और पब्लिक गुड से मेरा भी पर्सनल गुड कैसे होगा। यहाँ पर जब भी आप बात करते हैं पॉलिटिशियंस की या लीडर्स की, तो दे ऑलवेज टेक अप पर्सनल गुड वर्सेस पब्लिक गुड। ये देखिए, दिस शोज द एब्सेंस ऑफ एजुकेशन। ये देखिए, यही बाहर के देशों में क्या है, नोट कीजिएगा, बाहर के देशों में क्या है जहां शिक्षा बहुत इंटीग्रल एलिमेंट है पॉलिटिशियंस के लिए। अगर पब्लिक गुड होगा तो मेरा भी गुड होगा उसमें, पब्लिक गुड एज अ पार्ट ऑफ पर्सनल गुड एज अ पार्ट ऑफ पब्लिक गुड, ये शिक्षा के बाद समझ में आता है। फॉर एग्जाम्पल अगर सड़क अच्छी रहेगी, पॉल्यूशन नहीं होगा तो मेरा खुद स्वास्थ्य अच्छा होगा, स्वास्थ्य अच्छा होगा तो मैं लंबा जीऊँगा, लंबा जीऊँगा तो अच्छे से पढ़ाई लिखाई करूँगा और कुछ देश को लीड भी करूँगा। ये वहाँ का कंसेप्ट है, यहाँ क्या कंसेप्ट है, 5 साल के लिए आए हैं, तुरंत तुरंत जमा कर लिया जाए, बाकी का कुछ हो या ना हो मेरा हो जाए। इसीलिए स्टूडेंट्स, ये सारी जितने अच्छे कंसेप्ट हैं, दे फाइंड देयर वे ऑन द पेपर, लेकिन पेपर से बाहर आने में शिक्षा चाहिए, नहीं तो पेपर में ही रह जाते हैं ये सारे पॉइंट्स। और इसी वजह से देश आगे नहीं बढ़ रहा है ऑन द पाथ ऑफ डेवलपमेंट। आई होप यू एग्री विद मी, एजुकेशन इज नीडेड टू मेक एवरीवन रियलाइज दैट पब्लिक गुड जब होगा तो मेरा भी गुड होगा उसमें। यस, कम से कम इकोनॉमिक्स के थ्योरी में, जो कैपिटलिज्म की थ्योरी है, उसको सही डायमेंशन में भी देखा जाए, केवल इकोनॉमिक्स में नहीं। अगर ध्यान दीजिए, उसमें एडम स्मिथ ने कहा था, जब सब कोई अपना फ़ायदा सोचेगा तो देश का फायदा हो जाएगा, क्यों नहीं उसको रिवर्स में, जब देश का फायदा होगा तो सबका फायदा होगा, दैट्स इट। तो यही है स्टूडेंट्स आज के लिए, नमस्कार, जय हिंद। एंड करते हैं सेशन, जिसको भी लक्ष्य फोकस मॉड्यूल, जिसको भी सक्षम मेंटरशिप लर्निंग संकल्प टेस्ट सीरीज के लिए एडमिशन चाहिए, 9988873 54 एंड 9988873 58 पर संपर्क कर लीजिएगा। यस यस, इवन द ऑफिसर्स ऑल्सो दे गो इनसाइड द सिस्टम एंड वहाँ जाकर फिर वही चीज़ें शुरू हो जाती हैं, प्रॉब्लम्स एंड प्रॉब्लम्स, दैट्स इट। सो देर इज़ अ नीड ऑफ ब्रिंगिंग इन रिफॉर्म्स। रिफॉर्म्स में पता है हमेशा एक या दो पीढ़ी का सेक्रीफाइस लगता है, लेकिन यहाँ सेक्रीफाइस कौन करने को रेडी है आपको भी पता है। सो दैट्स इट, टेक केयर स्टूडेंट्स, धन्यवाद। दिवाली की आप सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, और मैं कल और आज का PDF 1 घंटे में पोस्ट कर दूंगा। धन्यवाद, नमस्कार, दैट्स इट।